घर में खाना पकाने के बाद हमारी माँ का पहले गाय को खिलाते हैं, बाद में आपको खिलाते हैं। कितना महत्व देशी गाय को क्यों है, ये सवाल मेरे मन में आया। मैंने सोचा जरूर देशी गाय के गोबर में गौमूत्र में पीने कुछ तो भी होना चाहिए, जिससे हम उसकी पूजा करके माता के। फिर हमारे देश में जो 36 नस्ले हैं देशी गाय के, उनके गोबर गोमूत्र का प्रयोगशाला में परीक्षण किया, देशी बैलों के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया, जय सूरज के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया, भैंस के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया। अंत में मालूम पड़ा कि जर्सी वृष्टि का मूत्र गोबर कुछ काम का नहीं, क्योंकि जर्सी वृष्टि गाय नहीं है तो कोई अलग खतरनाक प्राणी है जो बहुत ही खतरनाक। जर्सी वृष्टि के गोबर का कोई भी फायदा नहीं है। जब मैंने प्रयोग किए देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ रुपए की जुआन मिले, जबकि के 1 ग्राम गोबर ने 70 लाख के ऊपर काम नहीं मिला। उनमें से भी बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या, देशी गाय का गोबर अद्भुत है। अनंत करोड़ युवाओं का मांस आता है, लेकिन जैसी कृष्ण का गोबर भैंस का गोबर खेती के लिए कुछ काम का नहीं, ये सब मांस। देशी गाय के दूध में मानवीय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अमृतुल्य ऐसा एक तत्व है जिसको कहते हैं बीटा केसीन A2 क्रोइलिन नाम का प्रोटीन। बीटा केसीन A2 क्रोइलिन नाम का प्रोटीन जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। लेकिन जैसे लोचिन के दूध में बीटा केसीन A2 क्रोइलिन नहीं है, बीटा केसीन A1 हिस्टिडिन नाम का प्रोटीन है जो अत्यंत खतरनाक है, मानवीय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह करने वाला है। हमारी जो पैनक्रिया है स्वादुपिंड है उसकी फंक्शनिंग बंद कर देता है, जिससे मधुमेह डायबिटीज बढ़ता है, बाद में किडनी भी फेल होते हैं। गाय नहीं है क्योंकि गाय का कोई भी लक्षण उसमें नहीं है। भैंस के गोबर का भी उपयोग नहीं हुआ। सबसे बढ़िया अगर कोई निष्कर्ष मिले हैं तो देशी गाय के गोबर को मुझे समझ निश्चित हुआ कि देशी गाय का ही गोबर चाहिए। कितना चाहिए फिर इस पर मैंने अनुसंधान चालू कर दिया। 1 एकड़ में 1000 किलो, 900 किलो, 800 किलो, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 180, 160, 140, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7 से लेकर 1 किलो तक इसकी मात्राएं बदल दी, फसलें बदल दी। लगातार अनुसंधान के बाद मालूम पड़ा कि 0 बजट आध्यात्मिक कृषि में 1000 किलो गोबर की कोई आवश्यकता नहीं, 500 किलो की भी आवश्यकता नहीं, 100 किलो की भी आवश्यकता नहीं, 50 किलो की भी आवश्यकता नहीं। 1 एकड़ में देशी गाय का 10 किलो गोबर मैंने भी एक बार काफी है, पर्याप्त है, 11 किलो की भी आवश्यकता नहीं।
आप बोले कि ये कैसे क्या हम सुन रहे हैं, हम खेती के लिए किस्मा रखा, हमारे बाप ऐसी पके है क्या, हम कब ट्रैक्टर से गोबर खाद डालते हैं, कब ट्रैक्टर से रासायनिक खाद डालते हैं, घंटिया डालते हैं, कंपोस्ट वर्मी को भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। हेलो, लेकिन हमें फसल की ऊपर आ गए क्या? आप बोलते हैं कुछ भी नहीं डालना है, 10 किलो गोबर काफी है, ये कैसे संभव है? ये सवाल आपके मन में क्यों आया? पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि आपके मन में कृषि वैज्ञानिकों ने ये गलत बात भर दी कि खाद जड़ का खाते उसे डाल दे। दोबारा कह रहा हूं कि दिमाग में से खाद निकाल दीजिए, कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद दे दीजिए। जबकि 98.5% शरीर केवल हवा पानी से बनता है, खाद डालने का सवाल ही पैदा है। 10 किलो गोबर देशी गाय का मनी में एक बार खाद के रूप में नहीं है, अनंत करोड़ जुआन के जानवर के रूप में है, कल्चर के रूप में है, जोरन के रूप में है, विजन के रूप में है। धीरे धीरे आराम आराम से दो लाइन तीन तीन लाइन का आराम आराम से ज्यादा जाए। अगर 10 किलो गोबर उपयोग में लाने से आपको 18 क्विंटल गेहूं की उपज मिलती है प्रति एकड़, और 1000 किलो गोबर डालने से अगर 28 क्विंटल मिलती है, तो 1000 किलो डालने की आवश्यकता है। एक गाय देशी गाय एक दिन में औसतन 11 किलो गोबर देती है, इसका मतलब है एक देशी गाय का एक दिन का गोबर 10 किलो एक एकड़ के लिए महीने में एक बार डालना पड़ता है, इसका मतलब है एक देशी गाय का 3 दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए, एक गाय लाइए 30 एकड़ की खेती कर। अपना सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में हर घर में हर किसान के पास देशी गाय है ना, विदर्भ में मराठवाड़ा में हर के पास देशी गाय है, और मध्य प्रदेश में हर के पास देशी गाय है, बल्कि बुंदेलखंड में इतनी गाय है कि वहां गाय का क्या करे, प्रॉब्लम हो गया है उन लोगों, इतनी देशी गाय है। गाय सवाल ही नहीं है, गाय ऊपर की है, केवल एक ही करना है वो देशी गाय के गोबर से गौमूत्र से जीवाणु बनाना है, घने जीवाणु बनाना है, उसका उपयोग करना है। क्या आपको बताया जीवाणु घने जीवाणु बताया नहीं बताया बताया? चाहे सिंचित हो या असिंचित, बागवानी हो या मौसमी फसल, एक देशी गाय के गोबर से आप किसी की खेती कर सकते। साथियों, प्रति एकड़ 200 किलो घन अमृत आखिर जो है कि बड़े एक एकड़ के भूमि पर समान मात्रा में बिखेर दीजिए और अंतिम जोता ऐसे में करके मिला दें, बीजों को बीजावन का संस्कार करें और बीज बोए। जब फसल फूलों की स्थिति में होगी तब प्रति एकड़ 100 किलो घन जीवामृत का पुष्टक होते, और खड़ी फसल पर जीवामृत के 4 छिड़काव करें, कोई भी खरीफ रबी या दुर्घकालीन की फसल हो रासायनिक से बढ़िया उपज मिलेगी, जैविक से बढ़िया उपज। इस साल बारिश कम हुई, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ में भी कम हुई, मध्य प्रदेश में कम, रासायनिक की सोयाबीन सूख गई थी,
लेकिन जीरो रेट की सोयाबीन खड़ी थी, हरी भरी थी, फलों से लगी थी। अकाल वहां भी है, अकाल यहां भी है। हमारी फसल क्यों नहीं सूख गई? रासायनिक की फसल क्यों सूख गई? इसका कारण है, गया हुआ काल में रासायनिक खेती के पेड़ पौधे सूख जाते हैं, फसलें सूखती है, लेकिन उसी पेड़ के मेड़ पर बांध पर जो नीम का पेड़ खड़ा है, आम का है, इमली का है, हरा भरा है, अंधेरा फलों से लगा हुआ है। क्यों? अकाल आपके खेत में भी है, अकाल खेत के मेड़ पर भी है, अकाल जंगल में भी है, लेकिन आपके पेड़ पौधे सूखते हैं, जंगल के क्यों हरे हुए हैं, आपके मेड़ के पौधे क्यों हरे हुए हैं? इसका मतलब है भया हुआ अकाल में भी पेड़ पौधे न सूखे, जिंदा रहे, बढ़ते रहे, इसकी योजना ईश्वर ने प्रस्तावित की, इसकी व्यवस्था ईश्वर ने प्रस्तावित की है, इसके भया अकाल में जंगल खड़े। ये व्यवस्था रासायनिक कृषि के माध्यम से हमने नष्ट कर दी, जैविक खेती के माध्यम से नष्ट कर दी। साथियों, पानी, हवा, पानी का मासा है। जीरो बजट खेती में हम आपके कुएं में पानी कितना आए नहीं देखते, कैनाल में कितना पानी आ रहा है नहीं देखते। हम हवा से पानी ज्यादा उठाते हैं, भूमि से कम उठाते हैं, क्योंकि हवा पानी का मास है। ये हवा में से नमी खींचने का काम फसल के अवशेष के रूप में जो हम आच्छादन बिछाते हैं वो करता है, और आच्छादन विघटित होने की हिम्मत बनता है। मेरी इस विधि में आपको केवल 10% पानी चाहिए, 90% पानी की बचत है और 90% बिजली की बचत है, क्योंकि हवा से पानी हम ज्यादा देते हैं, भूमि से कम देते हैं। वास्तव में अकाल ग्रस्त स्थिति में सारे हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने ये फर्क देखा कि रासायनिक फसल सूख रही है, जीरो बजट की फसल खड़ी है। पानी समस्या नहीं है, साथियों, अगर ये वास्तविक सत्य है कि हमारे फसलों की वृद्धि ईश्वर करता है, तो सवाल पैदा होता है कि ईश्वर नाइट्रोजन कैसे उपलब्ध कराता है, फॉस्फेट पोटैश कैसे उपलब्ध कराता है। हवा नाइट्रोजन का मासा है, हवा में 78.6% नाइट्रोजन, यानी पूरी हवा नाइट्रोजन से भरी हुई है। पत्ते हवा में खिल रहे हैं, उड़ रहे हैं, अगर मन में आया तो सारा नाइट्रोजन हवा से ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले सकते। ईश्वर ने किसी भी पेड़ पौधों के पत्तों को हवा से फेट नाइट्रोजन लेने की क्षमता नहीं दी। जंगल के पेड़ में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन मिल गया है,
हमने नहीं दिया, अधिपतियों ने नहीं दिया, क्योंकि पत्ते आवाज से नहीं दे सकते, लेकिन मिल गया। इसका मतलब है जड़ों के पास कोई तो भी है जिसने हवा से जाकर लिया और जड़ों को दे दिया। यह है एक जीवाणु। ईश्वर ने हवा से नाइट्रोजन देकर जड़ों को उपलब्ध कराने का ठेका एक सूक्ष्म जीवाणु को दिया है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब स्थिर करने वाले। और ये देशी गाय के गोबर में है क्योंकि देशी गाय के आप में इसकी निर्मित हुई जीवामृत में है, घने जीवामृत में है। जब आप घने जीवामृत जीवामृत का उपयोग करते हैं, भूमि में अपने आप जाता है, हवा से नाइट्रोजन मिलता है, जड़ों को उपलब्ध कराता है, आपको यूरिया डालने की आवश्यकता। भूमि में फॉस्फेट होता ही है, लेकिन वो कच्चे दाने के रूप में होता है, पका हुआ नहीं होता। ये पकाने का काम पीएसबी बैक्टीरिया करता है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। और ये जीवाणु भी मार डाले हैं। ये जीवाणु की निर्मित देशी गाय के आंत में होती है। इसका मतलब है देशी गाय के गोबर में ये पीएसबी जीवाणु है। जब हम देशी गाय के गोबर के माध्यम से जीवाणु घर जीवाणु बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अपने आप भूमि में जाता है और खाद्य तत्व को फॉस्फेट को पकाता है, जड़ को मृत करता है। आपको कोई भी रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही करना है, जीवाणु डालना है, घर जीवाणु बस। भूमि में पोटैश बहुत है लेकिन पका हुआ नहीं है। जंगल के पौधों में पोटैश की कमी नहीं है, मिल गया, हमने तो नहीं दिया लेकिन मिल गया। इसका मतलब है भूमि में जड़ों के पास कोई तो भी है जिसने पोटैश के कण को पकाया और जड़ों को पहुंचा दिया। वो एक जीवाणु जिसका नाम है बैसिलस सिलिकस। और ये जीवाणु भी देशी गाय के आप में निर्माण होता है, यानी देशी गाय के गोबर में होता ही है। इसका मतलब है जब हम जीवाणु को जीवाणु डालते हैं तो जीवाणु भूमि में डालते हैं, पकाते हैं और पोटैश जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। ऑक्सीजन नाम का जीवाणु गंधक उपलब्ध कराता है, देशी गाय के आचरण में होता है, जीवाणु घर जीवाणु में होता है। फेरस बैक्टीरिया लोह उपलब्ध कराता है, जीवाणु में होता है, घर जीवाणु में होता है। माइक्रोबायोटा फंगस सारे खाद्य तत्वों को भूमि से उठाती है, पकाकर जड़ों को उपलब्ध कराती है। देशी गाय के आप में पैदा होती है, जीवाणु में होता है, घर जीवाणु में होता है। इसका मतलब है कि सारे खाद्य तत्वों को पकाने वाले सारे जीवाणु देशी गाय के आप में ही निर्मित होते हैं। जीवाणु में घर जीवाणु में है, इसका मतलब है कि अगर रासायनिक खाद बंद करना है तो एक ही काम करना होगा। क्या करना होगा? जीवाणु घर जीवाणु डालना होगा, रासायनिक खाद बंद।